हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ हेल्थ। और एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ स्वरांजलि। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किकन खजूरा काटने से क्या होता है और आप इसका घरेलू इलाज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मौसम के बदलाव के कारण घर में किकन खजूरे आ जाते हैं अक्सर, या फिर अन्य जीव घर में प्रवेश कर जाते हैं। और कुछ जीव तो काफी जहरीले होते हैं जिनके काटने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, किकन खजूरा इतना जहरीला नहीं होता है जिसके काटने से व्यक्ति की मौत हो जाए। लेकिन दोस्तों, किकन खजूरा कभी कभी काटने के साथ चिपक भी जाता है स्किन में, और कभी कभी तो कान में भी चला जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसका घरेलू इलाज। आप घर पर ही इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी चूहे को किकन खजूरा काट लेता है तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति को किकन खजूरा काट लेता है तो उसकी मौत नहीं होती है, बल्कि उसे दर्द होता है उस जगह पे। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि किसी व्यक्ति को किकन खजूरा काट लेता है तो एक प्रकार का उसके शरीर में जहर छोड़ता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, और उस व्यक्ति को थकान भी काफी महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से उसका शरीर टूटने लगता है। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए और डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं या फिर हॉस्पिटल दूर है, तो आपको हम कुछ घरेलू उपाय बताते हैं जिनसे आप ऐसे स्थिति में राहत महसूस कर सकते हैं और किकन खजूरे का जहर भी निकल सकता है, खत्म हो जाता है, और दर्द से, सूजन से आपको राहत मिलती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, यदि आपको किकन खजूरा काट लेता है तो उस जगह को आपको सबसे पहले साफ पानी से धोना है और उस जगह को सुखा लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप हल्दी पाउडर, सेंधा पाउडर, आप देसी घी में मिलाकर उस जगह पे लगाइए। इससे किकन खजूरे का जहर निकल जाता है और सूजन और दर्द भी कम हो जाता है। और दूसरा उपाय है, आप प्याज को पीस लीजिए और उस पेस्ट को आप उस जगह पे लगाइए जहाँ पे किकन खजूरे ने काटा है। इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। और तीसरा उपाय है, आप लहसुन और प्याज को बराबर मात्रा में लेके आप इसका पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को आप उस जगह पे लगाइए। इससे भी आपको किकन खजूरे के काटने से काफी राहत मिलेगी और सूजन और जहर भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके कान में किकन खजूरा चला जाता है तो आपको पानी में सेंधा नमक मिलाकर उसे डालना चाहिए कान में। ऐसा करने से किकन खजूरा बाहर निकल आता है। और यदि किकन खजूरा चिपक जाता है स्किन पे, तो आपको चीनी या फिर चीनी का बूरा उस पे डालने से छूट जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ये इलाज करने के बाद भी यदि आपको राहत नहीं मिलती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों।